हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं फ्रेंच फ्राइज बनाने जा रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं और बच्चों को तो खासकर फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। फ्रेंच फ्राइज को घर पे बनाना बहुत ही आसान है और घर पे आप बिल्कुल बाजार जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाकर तैयार कर सकते हो। फ्रेंच फ्राइज को आप बनाकर रेडी कर सकते हो और उसे आप फ्रीज़र में रख सकते हो, और जब भी खाने का मन हो, बच्चों का मन हो, या हल्की फुल्की भूख हो, या कभी गेस्ट आ जाएं, तो आप उसी समय फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करके उन्हें सर्व कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फ्रेंच फ्राइज को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंच फ्राइज को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं। आपको जितने फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं उसके हिसाब से आप आलू की क्वांटिटी को ले सकते हो। अभी हम सबसे पहले आलू के छिलके को छील लेंगे। अब फ्रेंच फ्राइज को बनाने के लिए आलू को हमें पीसेज में कट करना है, जिसके लिए पहले हम आलू के ऊपर और नीचे के थोड़े थोड़े से पार्ट को कट कर देंगे, ताकि सारे फ्रेंच फ्राइज का साइज बिल्कुल सेम हो और वो देखने में बिल्कुल मार्केट जैसे लगे। अब हम इसे पहले एक तरफ से इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब हम स्लाइसेस को एक साथ में लगा के इसे दूसरी तरफ से इस तरह से फिर से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे फ्रेंच फ्राइज कट के रेडी हो जाएंगे। फ्रेंच फ्राइज के साइज को आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आप फ्रेंच फ्राइज को मोटा या पतला रखना चाहते हो, उस हिसाब से आप इसके पीसेस को कट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से नाइफ से फ्रेंच फ्राइज को कट करके रेडी कर सकते हो। या इसके अलावा फ्रेंड्स, ये इस तरह से मार्केट में गैजेट्स आते हैं जिससे आप वेजिटेबल्स को कट कर सकते हो, और इसकी हेल्प से आप बिल्कुल एक जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलू को कट कर सकते हो। देखिए, इससे आलू कट करना कितना इजी है। सारे फ्रेंच फ्राइज के जो साइज हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे और जो फ्रेंच फ्राइज हैं वो देखने में बिल्कुल मार्केट जैसे लगेंगे। तो अगर आपके पास में इस तरह का गैजेट है तो आप उससे फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू कट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप नाइफ की हेल्प से आप कट कर सकते हो। इसी तरह से हम सारे आलू को इस तरह से स्लाइसेस में कट करके रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आलू को कट करके रेडी कर लिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है। अब हम बाउल में कटे हुए आलू को डाल देंगे। अब मैं इस बाउल में पानी डाल रही हूँ और इस आलू को हम अच्छे से धो लेंगे। हम इसे 3 से 4 पानी अच्छे से धोएंगे। हम इन आलू को तब तक धोएंगे जब तक आलू का जो स्टार्च है वो सारा स्टार्च निकल ना जाए और हमें साफ पानी ना दिखने लग जाए। जब आलू का सारा स्टार्च निकल जाएगा तो पानी बिल्कुल साफ लगेगा। आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब मैं इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। स्पून की हेल्प से मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी और इसे मैं 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी। फ्रेंच फ्राइज को ठंडे पानी में रखे हुए 1 घंटे के करीब हो चुका है। अब मैं इसके सारे पानी को निकाल दूँगी। अब ये मैंने एक साफ किचन टॉवल लिया है। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हो। फ्रेंच फ्राइज को मैं इस टॉवल के ऊपर खिला कर डाल दूंगी। आप चाहे तो इसे इसी तरह से या पंखे के नीचे आप 15-20 मिनट के लिए छोड़ सकते हो, जिससे आलू का जो मॉइस्चर है वे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आप इसी टॉवल की हेल्प से इसे हल्का हल्का सा पोंछ सकते हो, जिससे आलू के अंदर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। आलू बहुत ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए। आलू को हमें ड्राई करना है। देखिए, आलू बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है।
फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गैस पे चढ़ा दिया है और इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम फ्रेंच फ्राइज़ को इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। गैस को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और फ्रेंच फ्राइज को रखने के लिए हम कोई टिश्यू या बटर पेपर का यूज़ करेंगे ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। इसी तरह से बाकी बचे हुए फ्रेंच फ्राइज को भी हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद इसे भी हम टिश्यू या बटर पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बटर पेपर के ऊपर सारे फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करके निकाल लिया है। अब आप कोई भी कॉटन का कपड़ा या टिश्यू पेपर ले सकते हो और इससे हम फ्रेंच फ्राइज को हल्का हल्का सा पोंछ लेंगे। जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे हमें पोंछ देना है। अब इन फ्रेंच फ्राइज को हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। आप चाहे तो इसे फ्रिज के अंदर भी रख सकते हो 1/2 से 1 घंटे के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंच फ्राइज को स्टोर करना चाहते हो तो आप किसी भी जिप लॉक बैग के अंदर इन फ्रेंच फ्राइज को डालकर फ्रीज़र के अंदर रख सकते हो और आपका जब मन चाहे आप उसी समय फ्रीज़र से इसे निकालिए और फ्राई कीजिए। और जो आप मार्केट से रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज लाते हो वो भी इसी तरह से होते हैं, उसे भी आप लाकर फ्रीज़र में रखते हो और जब मन चाहे आप उसे फ्राई करके खा सकते हो। इसी तरह से आप इसे भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। फ्रेंच फ्राइज को मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था, वो ठंडे हो चुके हैं। अब मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम उन फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करने के लिए इसमें डाल देंगे। गैस को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और फ्रेंच फ्राइज को हमें क्रिस्पी और हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। खाली 3 से 4 मिनट के अंदर फ्रेंच फ्राइज बनके रेडी हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंच फ्राइज अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और इनका कलर भी हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इन फ्रेंच फ्राइज को हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं बाकी बचे हुए स्टोर किए हुए फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ और इसे भी हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंच फ्राइज में मैं बिल्कुल ज़रा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से टॉस कर लेंगे ताकि सॉल्ट सारे फ्रेंच फ्राइज में अच्छे से लग जाए। और फ्रेंड्स, हम गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज के ऊपर ही सॉल्ट को ऐड करेंगे तो ही सॉल्ट जो है वो फ्रेंच फ्राइज में अच्छे से मिलेगा। सॉल्टी फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे मैं टोमेटो केचप के साथ में खाने के लिए सर्व कर रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज को घर पे बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के लिए हमें कोई इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाली इसके बनाने के लिए हमें आलू चाहिए, जिससे हम बिल्कुल बाजार जैसे फ्रेंच फ्राइज को घर पे बनाकर रेडी कर सकते हैं। जब भी हल्की फुल्की भूख हो तो आप इस फ्रेंच फ्राइज को मिनटों में बनाकर रेडी कीजिए। और बच्चों को तो फ्रेंच फ्राइज बहुत ही पसंद आते हैं, तो आप इन्हें बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए और जब मन चाहे आप इसे फ्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फ्रेंच फ्राइज को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना चाहते हो आप इस रेसिपी के बारे में तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।